नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटे बच्चे के लिए ये खूबसूरत सा जूता लाई हूँ। ये साल भर से 2 साल के बच्चे के पैर में अच्छी तरह फिट हो जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 42 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। डिज़ाइनर फंदों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने 42 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और यहाँ पे बॉर्डर के लिए 14, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा सिंगल रिब में बॉर्डर डाला है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में मैंने 14 लाइन बुन लिया है। तो 14 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। चौदह लाइन कंप्लीट होने के बाद पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमने जाली डाला है और 2 फंदे को एक साथ लेके सीधा बुन लिया है। उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे 2 फंदे एक हो रहे हैं और जाली डालने से एक फंदा बढ़ जा रहा है, यानी कि जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे को लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरे लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में एक सिंगल फंदा आएगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सत्रहवीं लाइन और सामने से 28 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 फंदे सीधे बुने जा चुके हैं और इस साइड में 14 फंदे रह गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और अब हम सिर्फ 14 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इन 14 फंदों को दूसरी साइड वाले इनको भी हम छोड़ देंगे और बीच के सिर्फ 14 फंदों को ही हम बुनेंगे और दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे और कुल 14 लाइन बुनेंगे। 2 लाइन कंप्लीट हो गया, ये 3रा लाइन है। इस तरह हम 14 लाइन सीधा सीधा बुनेंगे। एज के फंदों को भी हम बुन लेंगे। नॉर्मली हम एज के फंदों को उतार लेते हैं, लेकिन इस समय हम एज के फंदों को भी सीधा बुन लेंगे क्योंकि हमें साइड से फंदे उतारने हैं। तो 14 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 14 लाइन कंप्लीट हो गया है जिससे 7 उल्टी धारियाँ सामने से भी और पीछे से भी बन गई हैं। तो अब हम उनको यहीं पे काट लेंगे क्योंकि अब हमारी बुनाई यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 17वीं लाइन में हमने 14 फंदों को बुना था और उसके बाद सिर्फ बीच के फंदों को ही बुना। तो अब हम अपना 17वीं लाइन को अब कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे ऊन अटैच करेंगे।
और यहाँ से हमको साइड से हमको 12 फंदे उठाने हैं, तो हम 12 फंदा उठाना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। और उसके बाद 12 फंदा उठाने के बाद हम इन 14 फंदों को भी इसी में बुन लेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और 14 फंदा। ये सामने के 14 फंदा भी बुन लिए गए हैं। अब दूसरी साइड से भी हमें 12 फंदे उठाने होंगे। तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8 फंदे हो गए। और 4 फंदा हम बीच बीच में बुन लेंगे। तो ये एक, यहाँ बीच में से एक फंदा ले लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12 फंदा हो गया। उसके बाद ये साइड के 14 फंदा भी हम इसी में बुन लेंगे। इस तरह हमारा ये 17वां लाइन कंप्लीट हो गया है। सारे फंदे सिलाई पे आ गए हैं और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे सीधे ही बुनेंगे। और अब हमको दोनों साइड से सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। फ्रंट से भी और बैक साइड से, दोनों साइड से हमें सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है। ये सारी बुनाई मैं 10 नंबर की सिलाई पे कर रही हूँ। ये जूता 10 नंबर की सिलाई पे बन रहा है, बॉर्डर भी और ऊपर का पार्ट भी दोनों 10 नंबर की सिलाई पे ही बन रहा है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड से सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है, जिससे उल्टे फंदों की धारियां आ जाए। तो टोटल हमें 20 लाइन बुनना है, जिससे 10 लाइन फ्रंट से और 10 लाइन बैक साइड से उल्टे फंदों की धारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं 20 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 20 लाइन बन चुका है, जिससे 10 उल्टी धारियां सामने से और 10 रॉन्ग साइड से बन गए हैं। और अब ये 21वीं लाइन है और इसमें हम
देखिए हमारा जूता बनके तैयार है। अब हम इसमें फंदे उतार देंगे। तो फंदे उतारने की वही विधि है, या तो दो फंदा हम बुन लें और पीछे वाले फंदे को ऐसे चढ़ा दें, दो फंदा बुने पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे ऐसे चढ़ा दें। या फिर दाहिने सिलाई वाला फंदा बाएं सिलाई पे चढ़ा दें और दो फंदे को एक साथ लेकर और सीधा बुन लें। इस ऐसे भी एक फंदा घट जा रहा है। दाहिने सिलाई वाला फंदा बाएं सिलाई पे चढ़ा दें और दो फंदे को एक साथ लेके और एक उल्टा सीधा फंदा बना लें। दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे और एक सीधा फंदा बनाते जाएंगे, जिससे फंदे घटते चले जाएंगे। देखिए फंदे घटने शुरू हो गए हैं, तो मैं सारे फंदे आपको घटा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे उतर चुके हैं। अब हम इसमें से ऐसे धागा निकालेंगे और इसको काट देंगे। और अब इसे उल्टा करेंगे और फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें सिलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, जूता तैयार हो गया। अब हमें इसमें डोरी डाल देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जूता तैयार है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।